आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे जो कि इंतहाई आसान बहुत ही जल्दी से हो जाती है और इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप मेरी वीडियो को गौर से देखें और पूरा देखें। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग के लिए हमारे पास कपड़ा बड़े बर का होना चाहिए। ये देखिए बस मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फिर इसकी हम पहले सबसे वेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। वेस्ट मेजर करने के बाद ये इस कोने से हमने वेस्ट को मेजर करना है जितनी हमारी वेस्ट है। मुझे 17 इंचेस की वेस्ट रखनी है। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे कॉर्नर पे और फिर यहाँ से हमें इसकी लेंथ का मेजर करना है। यहाँ से वेस्ट से जब हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो हमें सही तरह से आइडिया हो जाता है कि हमने अपनी फ्रॉक की ये स्कर्ट कितनी लेंथ हमें रखनी है। अगर थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कपड़े को आगे पीछे करके। इसके बाद हमें इसको एक फोल्डिंग ऐसे देनी है। ये आप ज़रा गौर से देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। इस तरह से फोल्डिंग देने के बाद यहाँ पे हमने जहाँ पे वेस्ट मेजर किया था उधर हम मार्क कर लेंगे, ऊपर भी इस निशान को ले आएंगे। इसके बाद एक फोल्डिंग और देनी है। नीचे से हम मार्क कर लेंगे, जो कपड़ा नीचे हमें नज़र आ रहा है उस पर हम उसका निशान हम ऊपर ले आएंगे। अब हम एक फोल्डिंग और देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से ट्रिम कर लेती हूँ। व्यूअर्स, ये अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये इतनी एक्यूरेट और परफेक्ट होती है कि इसकी उठान और इसकी फॉल बहुत ही बेहतरीन और पहना हुआ फ्रॉक बहुत बेहतरीन लगता है। अब एक और फोल्डिंग देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आप इसको फोल्ड करें। ये मैंने 3 बार फोल्ड किया है। इस तरह 3 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पे चौक से निशान को ऊपर ले आएँ। ये देखें, आप फील करते हुए यहाँ पे निशान लगा लें, एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से इसको कट कर लेना है। बॉटम से अम्ब्रेला फ्रॉक की जो शेप आएगी ये बहुत खूबसूरत शेप आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, चाहें तो आप इसको इसी शेप में रख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करूँगी। चाहें तो आप इसको इसी शेप में नीचे से इसका बॉटम रखें या इसको ट्रिम करके बिल्कुल राउंड शेप दे लें, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। ये देखिए, अब इसको पूरा खोल के ये देखें, ये बेहतरीन नीचे से इसकी स्कर्ट, अम्ब्रेला फ्रॉक की स्कर्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर जो मार्किंग की थी इसको मैं नुमाया कर देती हूँ। ये वेस्ट की मार्किंग, ये देखिए मैंने 17 इंचेस पे मार्क किया था, मुझे 16 इंचेस की वेस्ट चाहिए। और ये देखिए, यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे और ये अम्ब्रेला फ्रॉक का निचला पार्ट, उसका घेरा बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये बहुत ही खुला चौड़ा और बहुत खूबसूरत पहना हुआ ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा और इसकी फॉल और उठान बहुत ही प्यारी सी बनेगी। अब हम इसकी योक कटिंग करेंगे और बाजू कटिंग करेंगे। जो कपड़ा हमारे पास बच गया है हम उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, उसी में से इसकी योक भी निकलेगी और इसके बाजू भी निकलेंगे। अब इस कपड़े को मैं अपने योक के हिसाब से, जितनी मुझे योक चाहिए, 17 इंचेस की इसकी विड्थ और अबाउट 11 टू 12 इंचेस इसकी लेंथ मैं लूँगी। ये देखिए, इस तरफ से मुझे ये 17 इंचेस पे मैंने मार्क किया है और ये इसकी लेंथ जो है अबाउट 11 टू 12 इंचेस मुझे चाहिए।
अब ये मैं मेजर करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर योक की कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं शोल्डर पे मार्किंग कर लूँगी। मुझे 6.5 इंचेस की के शोल्डर तैयार करने हैं तो मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी और नीचे तीरे के लिए भी 7 इंचेस पे। अब यहाँ पे मैं इसकी कर्विंग शेप में मार्क कर लूँगी और इसको कटिंग कर लूँगी। गले से 2.5 या 3 इंचेस के फासले पर मार्क करके आगे से शोल्डर को तिरछी लाइन खींच के कंधे की कटिंग कर देनी है। इसकी नेक में बाद में कटिंग करूंगी क्योंकि मुझे इसका बेबी कॉलर बनाना है और इसका नेक जो है वो कॉलर के साथ ही कटिंग होगा। अब फ्रंट पार्ट की आगे से गहराई की कटिंग करनी है। हाफ इंच में मार्क करके कर्विंग शेप में यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इस तरह से ये हमारी योक तैयार हो गई है। अब चलते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। जो कपड़ा बच गया था हमारे पास उसी में से हम बाजू निकालेंगे। ये चूंकि समर सीजन की फ्रॉक है तो इसके हाफ बाजू बनाएंगे। मार्किंग करके 16 इंचेस पे इसको फिर फोल्डिंग दे देनी है। देखिए देखिए यहाँ से हमने मार्किंग कर ली है अबाउट 16 इंचेस पे। 8.5 इंचेस पे मार्किंग की है मैंने तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर लूँगी। ये देखिए ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसकी शेप बाजू की तरह ही इसकी यहाँ से एक साइड से कटिंग है तो हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी और इसकी शेप बना लेती हूँ ताकि बाजू अच्छे से लग जाए और खूबसूरती आए। अब यहाँ पे बाजू के मुंह पे अगर आप चाहें तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फुल रखूँगी क्योंकि मुझे इसमें गैदर्स डालनी है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं इसको गैदर्स डालूँगी और ख़ूबसूरत बाजू तैयार करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारी इस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग तैयार है। नीचे से बॉटम को आप और ट्रिम करके मज़ीद गोलाई की शेप दे सकते हैं या इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। ये योक तैयार हो गई है और इसके बाजू हमने कट कर लिए हैं। इसको मैं शोल्डर से और आगे से गैदर्स डालूंगी और ये खूबसूरत सी हमारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे अच्छा सा कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।